हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार भी हिमाचल पहुंच गए हैं। फतेहपुर में आयोजित चुनावी जनसभा में कन्हैया ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, जिसे कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। आज देश की सरकार एयर इंडिया, बीएसएनएल, रेलवे समेत अन्य कई तरह की देश की संपत्तियों को लगातार बेच रही है। कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, बीएसएनएल हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। फतेहपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने आगे कहा, कांग्रेस ने जब देश को आजादी दिलवाई तो ये संपत्ति बनाई गई थी। मोदी सरकार अब इन संपत्तियों को बेच रही है। सरकारी संपत्ति का मालिक अगर सरकार है तो सरकार का मालिक आम जनता है, इसलिए सरकारी संपत्तियां आम जनता की हैं। अगर रेल को बेच दिया गया तो रेल मंत्री का क्या काम रहेगा। केंद्र सरकार तो चाहती है कि कोई भी सरकारी स्कूल ही ना हो, कोई भी सरकारी अस्पताल ना हो, तो फिर सरकारी प्रधानमंत्री की क्या जरूरत होगी। केंद्र सरकार नौकरी तो दे नहीं सकती, महंगाई तो कम नहीं कर सकती, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का महल जरूर बना सकती है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कन्हैया ने कहा कि अभी हाल ही में जोड़न खटोला प्रधानमंत्री के लिए लिया गया है, उसकी कीमत 8,500 करोड़ रुपए है। इसी फिजूल खर्ची के चलते देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने इस दौरान राज्य की बीजेपी सरकार की भी जमकर आलोचना की।